हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मसाला ओट्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। वेलकम टू अक्षिताज किचन। अब आप देख सकते हैं मेरे ओट्स बनाने की जो सामग्री है, मैंने ओट्स लिया हुआ है और मैंने एक मीडियम साइज़ टमाटर कट कर लिया है, बारीक प्याज और बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और मटर, मैंने इन सबको साफ़ करके अच्छे से रख लिया है। और मैं कढ़ाई में अब घी डालूंगी। आप अगर घी डालना चाहे तो घी डालें, नहीं तो आप तेल डाल दें। और हम अपने घी को थोड़ा होने देंगे और हमारा घी अब लगभग हो चुका है और हम इसमें थोड़ी सी राई डाल देंगे। राई को अच्छे से हम होने देंगे, उसके बाद हम सारे चीज़ों को एक एक करके डालेंगे। और हमारी जो राई है वो तड़कने लगी है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसमें मैंने एक दो मिर्ची की कलियां ली हैं। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। अब मैंने इसमें बीन्स डाल लिया है जो मैंने बारीक कट करके रखा था। इसे 2 से 3 सेकंड तक हम चलाएंगे, उसके बाद एक एक करके सारी सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। मैंने अब इसमें मटर डाल रही हूँ, मटर को भी हम 2 से 3 सेकंड तक चलाएंगे। हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से भुन जाए। अब मैं इसमें गाजर डाल रही हूँ और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे कलछी की सहायता से। और अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूँगी जो मैंने बारीक कट करके रखा था। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करें। और ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, हम इसे छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। और हम अब इसमें नमक अपने स्वादानुसार आप अपना नमक डाल लीजिए। ये जो टमाटर काट के रखा था मैंने, टमाटर भी डाल रही हूँ। और ये हल्दी पाउडर है, अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम थोड़ा सा इसे ढक देंगे ताकि हमारी सारी सब्जियां पक जाए। आप देख सकते हैं मेरी सारी सब्जियां पक गई है और जो मैंने ओट्स रखा था उसे मैंने ओट्स डाल दिया है। और अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। और हम इसे चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा ओट्स बन के पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ऊपर से हम धनिया गार्निशिंग के लिए हमने डाल दिया है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट